दोस्तों ये है कराची जो पाकिस्तान देश का सबसे बड़ा और एक अमीर शहर है। कराची अरब सागर के विशाल तट पर बसा हुआ सिंध सूबे की राजधानी भी है। वहीं आज के समय में कराची जो तकरीबन 3,780 स्क्वायर किलोमीटर के विशाल इलाके में फैला हुआ है, यहाँ के निवासी इस शहर के जिंदा दिली की वजह से इसे रोशनियों का शहर भी कहते हैं और इसी वजह से कराची को सिटी ऑफ लाइट के नाम से भी जाना जाता है। कराची पाकिस्तानी की कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और कल्चरल सिटी भी मानी जाती है तथा जनसंख्या की बात करें तो आज के समय में कराची की जनसंख्या तकरीबन 1,70,00,000 के आसपास मानी जाती है, जिनमें यहाँ के 96% लोग इस्लाम मजहब को मानते हैं, वहीं 2% क्रिश्चियंस और 1% लोग हिंदू धर्म को मानते हैं। इकोनॉमी की बात करें तो कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा फाइनेंशियल और कमर्शियल हब है, जिस वजह से पाकिस्तान की ज्यादातर जानी मानी कंपनियां कराची से ही ऑपरेट की जाती है तथा एक हालिया सर्वे के मुताबिक कराची की GDP आज के समय में $210 मिलियन की मानी जाती है, जो कि पाकिस्तान के टोटल इकोनॉमी में 25% की हिस्सेदारी रखती है। वही किया आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा एम्बुलेंस नेटवर्क भी कराची में मौजूद है, जिसमें तकरीबन 1800 एम्बुलेंस का एक नेटवर्क स्थापित है और इसे यहाँ का ईदी फाउंडेशन चलाता है। आज के समय में कराची शहर के नजदीक बहरिया टाउन जैसे एडवांस रेसिडेंशियल एरिया को बसाया जा रहा है, जिसमें निर्माणाधीन ग्रैंड जामिया मस्जिद पाकिस्तान की सबसे बड़ी और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद है। अर्थात अगर बात की जाए खान पान की तो कराची अपने शानदार नल्ली बिरयानी के लिए भी जाना जाता है। इसके अलावा यहाँ के लोग फिश फ्राई के भी बहुत बड़े दीवाने होते हैं तथा यदि आप कभी कराची आए तो यहाँ का बन कबाब और हलवा भी एक बार जरूर ट्राई करें। अब अगर बात करें यहाँ के ट्रांसपोर्ट व्यवस्था की तो कराची में मेट्रो रेल नहीं है, लेकिन इस महानगर में मेट्रो बस सेवा चलाई जाती है। कराची में 2 प्रमुख रेलवे स्टेशन भी मौजूद है, कराची सिटी रेलवे स्टेशन और कराची कैंट रेलवे स्टेशन। जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पाकिस्तान का सबसे बिजी एयरपोर्ट है, जो दुनिया के कुछ महत्वपूर्ण शहरों से जुड़ा हुआ है। यहाँ से दुबई, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के लिए सीधी फ्लाइट भी मिल जाती है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मॉल भी आपको कराची में देखने को मिल जाएगा, लकी वन, जहाँ जाकर आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। अब अगर बात करते हैं कराची के इतिहास के बारे में तो कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, लेकिन आजादी से पहले कराची बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा हुआ करता था। बाद में इसे अंग्रेजों ने बॉम्बे प्रेसिडेंसी से अलग करके सिंध सूबा बनाकर कराची को इसका राजधानी बना दिया। हालांकि कई लोग मानते हैं कराची को सैकड़ों साल पहले कुछ बलोच लोगों ने बसाया था, तब इसे गलोची के नाम से जाना जाता था। दोस्तों अब बात करते पाकिस्तान के कराची शहर में घूमने लायक जगहों के बारे में, तो सबसे पहले है क्लिफ्टन बीच। दोस्तों ये बीच अरब सागर में स्थित है। इस बीच पर आप ऊंट की सवारी, घोड़े की सवारी जैसे कई एक्टिविटीज का आनंद ले सकते हैं। उसके बाद है नेशनल म्यूजियम ऑफ पाकिस्तान। इस म्यूजियम में पाकिस्तान की सांस्कृतिक विरासत के साथ साथ सिंधु सभ्यता और पांडुलिपियों का संग्रह भी मौजूद है। मजर ए कैद, जिसे जिन्ना मकबरा या राष्ट्रीय मकबरा कहा जाता है, ये कराची का प्रतिष्ठित प्रतीक होने के साथ साथ एक बहुत ही फेमस पर्यटन स्थल भी है। इसके अलावा भी नेशनल स्टेडियम, डोलमेन मॉल जैसे कई खूबसूरत जगहें कराची में घूमने लायक है। दोस्तों ये था पाकिस्तान का एक खूबसूरत शहर कराची। दोस्तों आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा? दोस्तों आप सभी को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन में जा सके।